जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार का पलड़ा भारी हो गया है। कोलेजियम ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता में कोलेजियम ने जजों की नियुक्ति को लेकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी को क्लियर कर दिया है। एमओपी क्लियर होने के बाद जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधान को लेकर कोलेजियम और केंद्र सरकार के बीच मतभेद भी खत्म हो गया है। यानी केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाकर जजों की नियुक्ति रद्द भी कर सकती है। पिछले 15 महीनों से कोलेजियम और केंद्र के बीच इस मसले पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी। पूर्व चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने एमओपी के इन प्रावधानों पर विरोध जताया था। कोलेजियम ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एमओपी क्लियर करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट में जजों के खाली पदों को भरा जाएगा, उसके बाद जजों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक कमेटी का भी गठन किया है। ये कमेटी अध्ययन करेगी कि लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए जजों की और कितने पदों को भरने की जरूरत है। गौरतलब है कि देश भर के हाई कोर्ट्स में इस वक्त जजों के 40% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं।